तो मेरा नाम अंकुश और स्वागत है आपका ऐसा जो मूल की इकोनॉमी फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में जो आपको गाड़ी दिख रही है ये है गुप्ता कार गैलरी की तरफ से आने वाली मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। वीडियो आप एंड तक देखना, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये गाड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। 2012 का मॉडल है और गाड़ी आप चेकआउट करते हो स्विफ्ट डिजायर है। ये बैचिंग आप चेकआउट कर सकते हो ना, डीजल इंजन रहने वाला है आपको, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है और फर्स्ट ऑनर ये गाड़ी जो है वो रहने वाली है। तो ये कुछ आप इस गाड़ी के रेयर के प्रोफाइल के लुक्स भी चेकआउट कर सकते हो। और ओरिजिनल ये गाड़ी रहने वाली है और अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी है। और सबसे पहले आप गाड़ी की जो है वो चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। और अगर विंडो पैनल की बात करें तो यहाँ पे आल्फा पावर विंडोज के कंट्रोल्स हैं। जल्दी आप इंटीरियर चेकआउट कर लो किस कंडीशन में। बाकी ये VDI वेरिएंट है तो इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स जो होते वो आपको उस टाइम पे मिल जाते थे। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो 2 DIN का आता था और फर्स्ट ओनर गाड़ी है तो ऑल ओरिजिनल गाड़ी ये रहने वाली है। जैसे कंपनी की साइड से आती है वैसी ही ये गाड़ी है। और अगर रनिंग की बात करें तो 75,000 के करीब ये गाड़ी जो है वो अपनी रनिंग कम्प्लीट कर चुकी है। और टायर्स वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो, टायर्स की कंडीशन भी अच्छी ही आपको जो है वो देखने को मिल रही है इस गाड़ी में। और अगर इस गाड़ी की डिमांड की बात करें तो लगभग आपको 2,98,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है। बाकी इसमें जो होगा थोड़ी बहुत नेगोशिएशन जो होगी, बिल्कुल मिनिमम से नेगोशिएशन आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज रेट ही काफ़ी जेन्युइन है इसका। उसी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर किसी को इस गाड़ी पर फाइनेंस चाहिए ना, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और नीचे नंबर दिया गया है गुप्ता कार गैलरी के ऑनर का, आप उनसे बात कर सकते हो। और इस गाड़ी की रिकॉर्डिंग कोई भी कोई एक और गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ मैं, गुप्ती जो है ना ये बिल्कुल अनटच गाड़ी है और विद VIP नंबर है। बाकी इस गाड़ी में ना काफ़ी ज़्यादा काम हो रखा है, गाड़ी काफ़ी शानदार कंडीशन है। बड़े सारे मेरे सब्सक्राइबर 500 की डिमांड कर रहे तो यहाँ पे आपको ये गाड़ी जो अनटच गाड़ी जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे ना आपको जो ये प्रोजेक्टर है और हर ये आप सेटअप देख रहे हो ना हेडलैम्प का, तो यहाँ पे आपको HID का सेटअप पूरा मिल जाएगा। फॉग लैम्प, इवन के फॉग लैम्प पे भी इसके ऑनर ने जो है वो HID डलवा के रखी हुई है। तो रात को इसका थ्रो जो है वो ज़बरदस्त है, नंबर इसका फैंसी है। अगर साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो इस गाड़ी को भाई, साइड प्रोफाइल से वगैरह की कंडीशन जो है वो भी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर आप ये फुट स्टेप वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। गाड़ी ये काफ़ी शानदार कंडीशन में आप कलर वाइज चेकआउट कर सकते हो, ऑल ओरिजिनल पेंटेड ये गाड़ी जो है वो रहने वाली है। और गुप्ता कार गैलरी के ऑनर्स का नंबर स्क्रीन के नीचे चल रहा है, आप उनको कॉल कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस गाड़ी के ऑनर ने ना इसका छत जो है वो भी पूरा पियानो ब्लैक करवाया हुआ है, वो भी जम्मू में सिरामिक से, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी है। और चलिए एक बार मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में लेके चलता हूँ भाई, W10 वेरिएंट है ये। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में लेके चलता हूँ, यहाँ से आप चेकआउट कर लो भाई इस गाड़ी का डोर पैनल। और इंटीरियर से आप चेकआउट कर सकते हो, इसका प्लेट्स एल्यूमिनेट, इसका प्लेट्स है, आपको स्टार स्टॉप की फैसिलिटी है। बाकी ऑल ओरिजिनल ये गाड़ी है, कुछ भी आफ्टर मार्केट यहाँ पे नहीं हो रखा है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल थिंग्स। और यहाँ से आप चेकआउट कर लो, सनरूफ आप चेकआउट कर सकते हो भाई इस गाड़ी का। बाकी ये कुछ इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट्स है, तो भैया के अभी कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो भाई। मैटिंग सीट का बस तो खैर इसके कंपनी साइड से ही आता है, मैटिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। 7D मैटिंग है जो कि काफ़ी शानदार कंडीशन में है। तो ये इस गाड़ी का जो है सेकेंड रो सीट्स हैं और पीछे थर्ड रो सीट्स होंगी। अभी तक गाड़ी की पन्निए भी नहीं उतरे, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इस गाड़ी को जो है वो मेनटेन करके रखा हुआ है इस गाड़ी के ऑनर ने। अगर डिमांड की बात करें तो 10,30,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है। और बाकी इसमें नेगोशिएशन आपको हो जाएगी। 89,000 के करीब ये गाड़ी अपनी रनिंग कंप्लीट कर चुकी है। एंड अगर आपको फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए तो वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, गाड़ी काफ़ी शानदार कंडीशन में है, वो आपको देख के ही लग रहा होगा। और एक बार अगर आपको उस गाड़ी को देखना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाड़ी जो है ये है महिंद्रा की थार, वो भी डीजल वेरियंट में। जो लोग ना नई गाड़ी लेना चाहते हैं ना थार, वो एक बार जरा रुक जाए, इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप शोरूम चले जाना। और उसके बाद आपको मर्जी या नई गाड़ी लेनी है या ये वाली गाड़ी लेनी है भाई। अब गाड़ी की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 का मॉडल है, सिर्फ और सिर्फ 9,000 ये गाड़ी चली हुई है जेन्युइन। और सेकेंड सर्विस जो है अभी रिसेंट में कंपनी से हो रखी है इस गाड़ी की। बाकी ये कुछ आप चेकआउट कर सकते हो, गुप्ता कार गैलरी के एंड से ये गाड़ी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। वीडियो आप एंड तक देखना, रेट की बात मैं वीडियो को एंड में बता दूंगा। और फाइनेंस की फैसिलिटी भी इस गाड़ी में अवेलेबल हो जाएगी, फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी के ओके मिल जाएंगे। इंश्योरेंस जो होगा वो सेकेंड ईयर का इसको आपको फ्रेश ही देखने को मिल जाएगा। टायर्स वगैरह की कंडीशन आप चेकआउट कर सकते हो, 9,000 गाड़ी चली हो तो टायर्स की कंडीशन आप देख ही सकते हो। लगभग आपको 98% रिमेनिंग चारों के चारों टायर्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई एक बार मैं आपको को ड्राइवर साइड विंडो पैनल दिखा देता हूँ भाई। अगर 9,000 चलिए तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो, सिर ये पन्निए तक नहीं उतरी है। और ये कुछ मैटिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर थार की मैटिंग है। और
ये कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ से आप चेकआउट कर लो ये गाड़ी की कंडीशन। भाई गाड़ी काफी शानदार कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर रियर की सीट्स की बात करें तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो रियर की सीट्स, पन्नी वगैरह आप देख सकते हो, बट ये बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में ये गाड़ी है। और एक बार मैं आपको इस गाड़ी का जो है वो ड्राइवर साइड प्रोफाइल भी चेकआउट करवा देता हूँ। अभी क्या है कि कल की थोड़ी बारिश हो रखी थी तो इसकी वजह से क्या था, थोड़ी गाड़ी पे ऐसे डॉट्स हैं, डस्ट के डॉट्स हैं, बाकी गाड़ी ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में, ओरिजिनल पेंटेड ये गाड़ी है। और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो एक बार इस गाड़ी के स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और ये कुछ यहाँ से, और डीजल इंजन में के साथ ही ये गाड़ी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे 4x4 ट्रांसमिशन का गियर नॉब, और ये कुछ कंडीशन है इस गाड़ी की। तो एक बार मैं आपको ड्राइवर साइड प्रोफाइल भी चेकआउट करवा देता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के डिमांड की तरफ। अगर डिमांड की बात करें तो 16.5 लाख रुपए की डिमांड है और इसमें भी आपको जो होगी नेगोशिएशन आपको मिल जाएगी। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बार आप ये थार को लेना चाहते हो ना शोरूम से, तो एक बार रुक जाओ, विजिट कर लो गुप्ता कार गैलरी में, अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी आपको देखने को मिली है, मात्र 9,000 ही चली हुई है। प्राइस की बात नहीं है, प्राइस में नेगोशिएशन हो जाएगी और इसमें फाइनेंस की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। एक और गाड़ी जो है वो गुप्ता कार गैलरी की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, जो वो है होंडा सिटी, वो भी डीजल इंजन के साथ है, वाइट कलर रहने वाला है। तो गाड़ी की कंडीशन आप चेकआउट कर सकते हो, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2014 का मॉडल है। ऐसी गाड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं जो कि फर्स्ट ओनर होती हैं और जेन्युइन कंडीशन में होती हैं और जेन्युइन रनिंग होती है इन गाड़ियों की। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो इस गाड़ी के टायर्स, बिल्कुल फ्रेश टायर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी योकोहामा के अर्थवन। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो चारों के चारों टायर्स। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का जो है रियर प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। होंडा सिटी VX वेरिएंट है, ID टैग जाने डीजल इंजन की बैजिंग आपको यहाँ मिल रही है। और ये कुछ इस गाड़ी का को ड्राइवर साइड प्रोफाइल है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। फुल टॉप मॉडल है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन है, डोर क्रोम गार्निश में डोर हैंडल्स है, मतलब हर एक चीज़ जो है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल रही है। और इसके साथ अगर इस गाड़ी की रनिंग की बात करें तो जन 68,000 के करीब ये गाड़ी अपनी रनिंग कंप्लीट कर चुकी है, बट उससे पहले आप ये सनरूफ चेकआउट कर सकते हो। वही बात है कि टॉप मॉडल है तो इसमें हर एक फीचर जो होगा वो आपको मिल जाएगा, मेरे से कुछ छूट भी जाए तो आप गेस कर लेना कि उस टाइम पे ये फीचर्स आते थे। तो ये कुछ आप इस गाड़ी का डोर पैनल चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ सीट्स है भाई, होंडा की तरफ से आने वाली जो सीट्स हैं उनके ऊपर सीट कवर्स लगा दिए गए हैं और काफ़ी फोमिंग वाली सीट्स रहती है होंडा की। बाकी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, 7D मैटिंग है। इंटीरियर से गाड़ी अच्छी कंडीशन में, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन है और डीजल इंजन है। डीजल इंजन में अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि इस गाड़ी की माइलेज, ये हाईवे पे मैंने बड़े सारे कस्टमर्स देखे हैं जो 23+ माइलेज जो है वो इस गाड़ी से निकाल लेते हैं हाईवेज पे। बाकी कंफर्टेबल तो रहती है सेडान अपने आप में। और अगर डिमांड की बात करें तो 5,40,000 रुपये की इस गाड़ी की डिमांड है, अच्छी कंडीशन में ये भी गाड़ी है। तो चलिए एक बार ना मैं आपको इस गाड़ी का इंजन भी आपको चेकआउट करवा देता हूँ, बिकॉज डीजल जो गाड़ी होती है ना, डीजल इंजन वाली गाड़ी, लोगों की बड़ी क्वेरी रहती है कि उसमें लीकेज वगैरह की बड़ी समस्या रहती है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको इसका डीजल इंजन दिखाने की। सो ये कुछ आप चेकआउट कर सकते हो भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में डीजल इंजन है, किसी तरह की भी कोई भी लीकेज होती है मैक्सिमम स्पार्ट में होती है, कोई लीकेज नहीं है। और ये कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिमांड मैंने आपको बता दी है, 540 की डिमांड है, 2014 का मॉडल है, 68,000 चली हुई है। बाकी इसमें और क्या चाहिए, नेगोशिएशन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नीचे नंबर दिए गए हैं, नेगोशिएशन हो जाएगी और बाकी फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल ही है। बढ़ते हैं अब अगली गाड़ी की तरफ। किसी को अगर लो बजट में कोई सेडान गाड़ी चाहिए, वो भी डीजल इंजन में, वेल मेंटेन, तो आप लिनिया की तरफ जा सकते हो। ये गाड़ी है फेट की लिनिया, 2013 का मॉडल है, जेन्युइन कंपनी रिकॉर्ड, 1,20,000 के करीब ये गाड़ी चली हुई है, बट इंजन काफ़ी शानदार कंडीशन में है। मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ इस गाड़ी का, यहाँ से विंडो पैनल आप चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ इंटीरियर से आप गाड़ी चेकआउट कर सकते हो, 1,23,000 के करीब चली हुई है। भाई इंटीरियर देख लो आप किस तरह का, अच्छी कंडीशन में, शानदार कंडीशन में ये गाड़ी है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी ये रहने वाली है। बाकी आर्मरेस्ट देखो कितनी सी आती थी उस टाइम पे। और अगर रियर की सीट्स की बात करें तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो इस गाड़ी की रियर की सीट्स, काफ़ी स्पेशियस ये गाड़ी जो है वो रहने वाली है। और वही 2013 का मॉडल है, डॉक्यूमेंट जो होंगे वो सारे आपको इसके अप टू डेट क्लियर मिल जाएंगे, टायर्स वगैरह भी आपको अच्छी कंडीशन में मिलने वाले हैं। और इसी के साथ अगर रियर की प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से आप इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हो। सेडान गाड़ी काफ़ी सस्ते रेट में मिली है, मात्र डिमांड की बात करें तो 2,80,000 रुपये की डिमांड है 2013 मॉडल की। और यहाँ पे ना नेगोशिएशन आपको आराम से देखने को मिल जाएगी और
बाकी ये डीजल इंजन वही है जो मारुति सुजुकी का 1.3 लीटर वाला है ना DDAES वाला, ये वही इंजन है। बल्कि मारुति ने फेट से ही सोर्स करते थे वो मल्टी, जो उनका डीजल इंजन था वो फेट से ही सोर्स करते थे। काफ़ी फेमिलियर इंजन है और काफ़ी देर से चल रहा है, स्पेयर पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही है इस डीजल इंजन के। बाकी गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छी कंडीशन में है ये और डिमांड मैंने आपको बता दी। बाकी हाँ, अगर किसी को फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए होगी तो वो भी अवेलेबल है और नेगोशिएशन भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएगी।